हेलो, इस वीडियो में जेई मेन 2021 का इंडिफिनिट इंटीग्रल का ये प्रॉब्लम इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन होल स्क्वायर इक्वल टू ए टेन इनवर्स टू एक्स प्लस वन बाई रूट थ्री प्लस बी टू एक्स प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन प्लस सी एंड एक्स ग्रेटर देन जीरो होने से हमको नाइन इंटू स्क्वायर रूट ऑफ थ्री ए प्लस बी इसका वैल्यू निकालना है। तो सॉल्यूशन इसका इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेशन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन होल स्क्वायर, तो इसको स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर में लिखेंगे। कंप्लीटिंग द स्क्वायर, इसको अंदर स्क्वायर को कंप्लीट कर देते हैं। डी एक्स स्क्वायर कंप्लीट करने से क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स इंटू हाफ प्लस हाफ स्क्वायर, तो हाफ स्क्वायर वन बाई फोर होता है, वन बाई फोर होने से थ्री बाई फोर बच गया। सो इसको इस प्रकार मिलेगा, दैट इज इक्वल टू डी एक्स बाय ये हो गया एक्स प्लस हाफ होल स्क्वायर, ये हो गया रूट थ्री बाई टू होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। अब हम इसको लेंगे, इसको 10 में लेंगे। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे 10 थीटा को, लेट एक्स प्लस वन बाई टू इक्वल टू रूट थ्री बाई टू टेन थीटा। सो इस प्रकार से सब्स्टिट्यूट करने से क्या होगा, डी एक्स इक्वल टू होगा रूट थ्री बाई टू डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ऊपर में डी एक्स को इस प्रकार लिख पाएंगे। सो यहाँ से थीटा निकलते हैं, यहाँ से थीटा, तो पहले टेन थीटा इक्वल टू टू एक्स प्लस वन बाई टू और ये टू बाय रूट थ्री, टू टू कैंसल। सो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स टू एक्स प्लस वन बाई रूट थ्री, नीचे का कटा हुआ था इसलिए ये ऐड किया गया, प्लीज़ कंसीडर इट। जो हमको यहाँ इसके साथ मिल रहा है, सो हमको ए थीटा मिलेगा। देयरफॉर ये सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे डालना चाहिए। देयरफॉर आई इक्वल टू डी एक्स मतलब हो गया रूट थ्री बाई टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और ये हो गया रूट थ्री बाई टू, ये हो गया रूट थ्री बाई टू टेन थीटा। सो स्क्वायर होने से रूट थ्री बाई टू यहाँ पे भी है, रूट थ्री बाई टू यहाँ पे भी है, रूट थ्री बाई टू होल स्क्वायर मतलब थ्री बाई फोर, फिर उसका स्क्वायर हो जाएगा नाइन बाई सिक्सटीन। तो यहाँ पे भी इसका वैल्यू है रूट थ्री बाई टू टेन थीटा, होल स्क्वायर करने से थ्री बाई फोर टेन स्क्वायर थीटा, ये भी थ्री बाई फोर है, तो थ्री बाई फोर को कॉमन लेके बाहर कर देंगे तो होगा नाइन बाई सिक्सटीन, और अंदर में क्या रहेगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन, टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन और उसका होल स्क्वायर। तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा, तो कांस्टेंट में क्या होगा रूट थ्री बाई टू सिक्सटीन बाई नाइन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, वन प्लस टेन सेक स्क्वायर होल स्क्वायर सेक टू द पावर फोर थीटा हो गया। यहाँ पे कैंसिलेशन एट, ये हो सकता है थ्री रूट थ्री, दैट इज एट बाई थ्री रूट थ्री, एट बाई थ्री रूट थ्री, और यहाँ पे हो गया डी थीटा बाय सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा को ऊपर लिखने से कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे लिखेंगे फोर
थ्री रूट थ्री, तो टू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन प्लस कॉस टू थीटा डी थीटा। तो वहाँ पे इंटीग्रेशन करने से फोर बाय थ्री रूट थ्री इंटीग्रेशन हो गया थीटा, और यहाँ पे इंटीग्रेशन हो गया कॉस का इंटीग्रेशन साइन टू थीटा बाय टू प्लस सी। सो फोर थ्री रूट थ्री थीटा, ये पोर्शन तो मिल गया, एक अभी ये आ रहा है, और यहाँ पे सिंप्लीफाई करने से टू बाय थ्री रूट थ्री साइन टू थीटा इक्वल टू, साइन टू थीटा को हम लोग टेन में लिखने से टू टेन थीटा एंड वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। साइन टू थीटा को इस प्रकार लिखा जा सकता है। अब ये थीटा का वैल्यू तो मिल गया है, दिस इज इक्वल टू फोर थ्री रूट थ्री थीटा लिख देते हैं अभी, उसको वो भी लिखा जा सकता है, प्लस ये हो गया फोर बाय थ्री रूट थ्री टेन थीटा इक्वल टू, टेन थीटा का वैल्यू क्या था, टेन थीटा इक्वल टू टू एक्स प्लस वन बाय रूट थ्री। सो टेन थीटा का वैल्यू वो था, सो टू एक्स प्लस वन बाय रूट थ्री वन प्लस इसका होल स्क्वायर टू एक्स प्लस वन बाय रूट थ्री इसका होल स्क्वायर प्लस सी। तो इसको सिंप्लीफाई करने से क्या होगा, थ्री रूट थ्री थीटा मतलब टेन इनवर्स टू एक्स प्लस वन बाय रूट थ्री, सो फोर बाय थ्री रूट थ्री, यहाँ पे कितना हो रहा है टू एक्स प्लस वन बाय रूट थ्री, और ये हो गया रूट थ्री स्क्वायर इज थ्री, नीचे में ये यहाँ पे थ्री इंटू वन इज थ्री, इसको होल स्क्वायर करने से फोर एक्स स्क्वायर फोर एक्स प्लस वन। तो फोर बाय थ्री रूट थ्री टेन इनवर्स टू एक्स प्लस वन बाय रूट थ्री, ये हो गया फोर बाय थ्री मिल रहा है यहाँ पे, रूट थ्री 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 कैंसिल, और टू एक्स प्लस वन यहाँ पे फोर कॉमन आ रहा है, फोर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, तो ये फोर एंड ये फोर कैंसिल हो जाने से अभी टू एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन तो मिल रहा है हमको ए, देयरफॉर ए इक्वल टू फोर बाय थ्री रूट थ्री एंड बी इक्वल टू यहाँ पे वन बाय थ्री, देयरफॉर नाइन इंटू रूट थ्री ए, ए का वैल्यू फोर थ्री रूट थ्री प्लस बी का वैल्यू वन बाय थ्री, सो दैट इज इक्वल टू नाइन, नाइन से थ्री कट गया थ्री हो गया, थ्री फोर जो ट्वेल्व, ट्वेल्व प्लस थ्री थर्टीन फोर फिफ्टीन, सो इसका आंसर है फिफ्टीन। सो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू वेरी मच।